इसको हम एडिटिंग का कैन बोलते थे, और इसका यहाँ पे ऐसे एक बिन होता था, बिन, उसमें ऐसे शॉट्स को हैंग करा जाता था, एक 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 शॉट, और ढूंढना मतलब पागलपना, क्योंकि आपके पास कोई देखने के लिए कुछ है नहीं, तो आप ऐसे हाथ में लेके और ढूंढते थे यार ये लाइट के अगेंस्ट में, अच्छा ये कौन सा शॉट है, फिर आप उसे, और ये इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज़र, तो इसके अंदर ऑडियो वीडियो म्यूज़िक ट्रैक, तीन ट्रैक लगा के आप साथ में देख सकते हो। ये सिंक्रोनाइज़र है जैसा मैंने आपको बोला, तो इसमें क्या है कि आपके फिल्म के अंदर ऑडियो ट्रैक होता है, डायलॉग का ट्रैक, फिर साउंड का, म्यूज़िक का ट्रैक होता है, फिर एक इफ़ेक्ट्स का ट्रैक होता है, और एक विजुअल जो इमेज का ट्रैक होता है, तो चार ट्रैक। तो इसके अंदर आप देखेंगे एक दो तीन चार, चार आपके ट्रैक साथ में डल सकते थे, और उन ट्रैक्स को आगे पीछे जो करना है, भाई कौन सा इफेक्ट कब आएगा, तो वो आप कर सकते थे। तो दिस वॉज, दैट इज़ वाई इट वॉज कॉल्ड अ सिंक्रोनाइज़र, इट यूज़ टू सिंक्रोनाइज द इफेक्ट्स, द म्यूज़िक, द डायलॉग्स एंड द विजुअल। ये स्प्लाइसर है, स्प्लाइसर, इससे कटिंग होती थी और चिपकाना होता था, सीमेंट लगा के शॉट को चिपकाना, ये ऐसे खुलता है ये ऊपर, ये देखो यहाँ पे फिल्म लगा के चिपका दी जाती थी, काटते थे और फिर चिपक जाती थी। ये सिंक्रोनाइज़र, ये देखो लिखा है उसमें सिंक्रोमीटर या सिंक्रोनाइज़र, यहाँ पर हम सिंक करते थे, साउंड और विजुअल को मैच करते थे फ्रेम बाई फ्रेम। ये नंबर ऑफ फ्रेम दिखे हैं यहाँ पर, ये मैग्नेटिक साउंड का हेड है जो मैग्नेटिक साउंड रीड करता था, तो प्रोजेक्टर के अंदर भी इतना बड़ा हेड होता था, वो मैग्नेटिक साउंड का, ये आपका रीडर है, ये रीड करता था। जो एडवांस जब हो गया एडिटिंग, एडिट थोड़ा सा नहीं बहुत एडवांस, थोड़ा सा एडवांस होने के बाद उसके बाद में वो है, ये जो है ये मूवी ओलार है, तो ये मूवी ओलार के अंदर फिल्म लोड होती थी और आप इस पर देखते थे ये मॉनिटर पर, लेकिन ये जो है ये स्टीन बैक है, तो स्टीन बैक जो है ये एकदम एडवांस हो गया, और इसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो सब टीवी मॉनिटर पे दिखेगा, और सारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल था इसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल नहीं है इसमें, इसमें कंट्रोल मोटर से चलता था, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। एडिटिंग टेबल कैसे इवॉल्व हुई, पहले आप एडिटिंग टेबल आपकी वो होती थी जिसमें आप सिंक्रोनाइजर से मैनुअली सिंक करते थे साउंड एंड वीडियो, फिर उसके बाद में वहाँ से आप लेके आते थे मूवी ओलार पे, मूवी ओलार पे आप सिंक करके देखते थे कि मैंने जो एडिट करा है वो कैसा दिख रहा है, और फिर आप फाइनल एडिट करते थे। लेकिन ये जो है ये स्टीन बैक जो है इससे आगे का वर्जन है, जिसमें कि चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल में आ गई, और इसके ऊपर मॉनिटर बड़ा दिखता था, ऑडियो के लिए पूरा का पूरा आपको ट्रैक मिलता था, तो आप जो है इसमें सुन भी सकते थे, देख भी सकते थे, और कंट्रोल भी कर सकते थे।